नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी YouTube चैनल हेल्पर क्लब में। दोस्तों, आज मेनली जो मैं वीडियो बनाने वाला था ना, वो मेरी वीडियो थी कि YouTube से कैसे पैसे कमा सकते हैं, पर मैंने सोचा कि इस वीडियो थोड़ा यूनिक करूं। मैं आज बताने वाला हूं कि YouTube से किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। डिफरेंस आप समझ चुके होंगे कि YouTube से कैसे पैसे कमा सकते हैं और YouTube से किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अर्न कर सकें जब हम पर एक YouTube चैनल हो। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास एक YouTube चैनल है, अगर आपके पास YouTube चैनल नहीं है, तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं, उससे अर्निंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। उस वीडियो को आप देख लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो देने की कोशिश करूँगा, वरना मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इजली है, आप सीख सकते हो कि हाँ चैनल कैसे बनाना है, बहुत ही ईजी है, और वीडियो अपलोड वगैरह कैसे करनी है, सारी सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं वीडियो डालने के बाद कि चैनल से अर्निंग कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़, आप एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, उसे आप अपने एडसेंस अकाउंट से लिंक कर दीजिए। चैनल को एडसेंस से लिंक कर देते हैं तो अर्निंग होने लगती है। एडसेंस के एड्स शो होते हैं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपने देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट आता है यूट्यूब पे, वीडियो के बीच में भी एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उससे जो अर्निंग होती है वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका रहा कि आप सीधा एडसेंस के एडवर्टाइजमेंट शो करा के अर्निंग कर सकते हो। दूसरा तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही ज़्यादा अर्निंग होती है, वो है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप क्या होती हैं? जब आपके चैनल की एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है ना, तो कंपनियां चाहती हैं कि आपके पास एक ऐसा नेटवर्क हो जाता है, बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आप पर बिलीव करने लगते हैं, तो कंपनियाँ कहती हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दीजिए। जैसे कि कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ या कोई और प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, वो कंपनी कहती है आप अपने व्यूअर्स को हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए और हम आपको इतना पेमेंट कर देंगे। तो वहाँ से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो स्पॉन्सरशिप एक अच्छा वे है और बहुत ही अच्छी इनकम हो जाती है। यूट्यूब की बात करें तो जितनी इनकम एडसेंस से नहीं होती, उससे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप से होती है। बहुत बार प्रोडक्ट भी फ्री में हमें मिल जाते हैं, पैसे भी मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक अच्छा माध्यम रहता है। तीसरा तरीका एफिलिएट। आपने देखा होगा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते, तो मेरी एक नई वीडियो आने वाली है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, जिसमें मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, उससे अर्निंग कैसे की जाती है। एफिलिएट का थोड़ा सा मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे देता हूँ। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है, जैसे कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो, उन प्रोडक्ट को बेचने पर आप एक फिक्स कमीशन ले सकते हो, आपको एक फिक्स कमीशन मिलता है, आपको कोई डिलीवरी नहीं करनी, प्रोडक्ट सेल नहीं करना, अमेजोन सब कुछ करेगा, बस उनका लिंक लेके अपने लिंक से आपको दूसरों पर खरीदवाना है प्रोडक्ट। तो उससे भी, जैसे आपने कोई मोबाइल ख़रीदा, उसका आपने एक रिव्यू वीडियो बना दी और अमेजोन या फ्लिपकार्ट का एफिलिएट लिंक आपने लगा दिया अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपकी जो लिंक है उससे कोई भी खरीदेगा, तो वहाँ से आपको कुछ फिक्स कमीशन मिलता रहेगा। ठीक है, अगला है चौथा तरीका, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आपका कोई खुद का प्रोडक्ट है तो आप सेल कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पर, जैसे मैं भी करता हूँ, मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, एक मेरा चैनल है उस पर मैं प्रोडक्ट इजीली सेल करता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। अगला है शॉर्ट लिंक। शॉर्ट लिंक के माध्यम से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, जैसे कि किसी वेबसाइट का रिव्यू दे रहे हो या किसी और चीज़ का, आपने अपने डिस्क्रिप्शन में किसी का लिंक देना है, तो उसे पहले आप किसी भी शॉर्ट लिंक वेबसाइट से जाके शॉर्ट कर लीजिए, उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को दे दीजिए। जब आप उस लिंक को दे दोगे, तो जब कोई भी व्यूअर आपका उस लिंक पर क्लिक करेगा, तो एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट उसके सामने चालू हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, भले ही वो 5 सेकंड का हो, तो वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हो। और छठवां तरीका है, वो एक जेन्युइन तरीका है, अच्छा तरीका है, मैं भी मानता हूँ,
जब आप लाइव स्ट्रीम करते हो, ये तरीका जब काम करता है जब आपकी एक फेस वैल्यू बन जाती है। तो जब आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए लाइव आ जाते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि कुछ लोग थोड़ा सा पेमेंट करके अपने क्वेश्चन को हाईलाइट करा सकती हैं, समझ रहे हो? जैसे कि मेरा चैनल है, मेरे साथ एक चैनल है मेरा, जहाँ पर 1,60,000 लोग मेरे से जुड़े हैं, मैं लाइव आया, 10,000 लोग मेरे साथ लाइव बात कर रहे हैं, तो मैं सभी के रिप्लाई तो दे नहीं सकता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना क्वेश्चन को हाईलाइट कराने के लिए कुछ पे कर देते हैं, तो उनका क्वेश्चन मेरे को हाईलाइट दिखता है कुछ देर के लिए कि ये क्वेश्चन बड़े बड़े अक्षरों में, क्योंकि उन्होंने पेमेंट किया है, तो वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। तो ये मैंने आपको 6 तरीके बताए अर्निंग के। सातवां तरीका है आप मेंबरशिप दे सकते हो, अभी जो यूट्यूब ने लॉन्च किया है कि आप लोगों को मेंबरशिप दे सकते हो टाइम की, कि इतने टाइम तक आपको मैं ये एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करूँगा जिसके बदले आपको ये एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। तो ये टोटल 7 तरीके हैं यूट्यूब के थ्रू अर्निंग करने के, जेन्युइन तरीके हैं। अगर सेपरेट वीडियो आपको चाहिए इनके ऊपर तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ, तो वो भी हो जाएगा। तो दोस्तों केवल ये छोटी सी जानकारी थी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ऐसी वीडियो आगे भी पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।